हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एग्जामशाला एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है टुडे आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ अक्टूबर 2021 बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब यू कैन ऑल्सो फॉलोअस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड टेलीग्राम नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सो वी हैड सेलिब्रेटेड द एटी नाइन्थ एयर डे on 8th of September 2021 so congratulations and the day should be remembered and that day based on that बेस्ड ऑन दैट इसी पर एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा गया है कि अभी तीस सेप्टेम्बर को ही एयर चीफ मार्शल लिखनाए ए सी एम नियुक्त किए गए हैं और फोर्स के आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस हैं सरकार को उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आने वाले मॉडर्न वारफेयर में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर में मिलिट्री या नेवी तो नहीं लेकिन एयरफोर्स जो है वो डिसाइडिंग रोल प्ले कर सकती है जिस तरह से हम

तो वहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी लिखना है कि रिसेंटली सर्वे में ये पाया गया है कि कम से कम चालीस परसेंट सात ऐसे बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर चालीस परसेंट बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस ही नहीं है दैट इज़ वो भी वो चालीस परसेंट बच्चे हैं जो एनरोल्ड हैं डेट मीन्स सपोज़ करें कि देर इज़ देर आर हंड्रेड स्टूडेंट्स और हंड्रेड चिल्ड्रन इन एन एरिया जिसमें से ओनली एट्टी बच्चे ही किसी स्कूल में एनरोल्ड हैं बाकी बीस बच्चे तो एनरोल्ड भी नहीं हैं उन एट्टी का फोटी परसेंट लगभग लगभग आधा से थोड़ा कम बच्चों के पास दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइस तो जब वेन यू आर टॉकिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन डिजिटल इकोनमी एंड एजुकेशन फ्राम होम एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल बट एट द सेम टाइम द ग्राउंड रियालिटी इज द पीपल सम पीपल आर हैविंग सो मच ऑफ टेक फ्रेंडली एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल अवेलेबिलिटी है रिसोर्स है मनी है अर्बन एरियाज में रहते हैं बट द लार्जर चंक लिवस इन द रूरल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी अवेलेबल नहीं है दे आर नॉट हैविंग डिजिटल डिवाइस और जो डिजिटल डिवाइस है भी तो भी डेटा प्लान लेने की उनकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसी वजह से हम वन फॉर फिट फॉर और जो अप्रोच तो वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में यू कैन यूज़ दिस डेटा विच हैज़ बिन रिसेंटली कंडक्टेड बाई एन एजुकेशन मिनिस्ट्री सो ये एक ऑथेंटिक रिलेशन uh, है ऑथेंटिक डेटा यू कैन डायरेक्टली कोड रीट सर्वे बाई द एजुकेशन मिनिस्ट्री रिवील्स दैट देर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप और ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स में हैं बड़े बड़े स्टेट्स में हैं आंध्र प्रदेश आसाम गुजरात मध्य प्रदेश बिहार इन जैसे राज्यों में वेर एटलीस्ट फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी कांड ऑफ डिजिटल डिवाइस फोर्टी परसेंट द फैमिलीज डू नॉट हैव दिस कांड ऑफ डिजिटल डिवाइस इंड दज वाई ऑनलाइन एजुकेशन और प्लेटफॉर्म्स लाइक डायरेक्ट एजुकेशन स्मार्ट एजुकेशन कैन नॉट भी इम्पोज डायरेक्टली वी कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्राम द फिजिकल एजुकेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन दे आर एम नेगेटिव Points related to it as well, which needs to be sorted out if we really want to prevail and to enrich the education in the largest and the lowest section of the society. Moving on to another important article that we have discussed earlier, that the challenges of the air force and what has done and what should be done in order to maintain it and into maintaining the consistency, written by uh, Commodore Uday Bhaskar, who has been himself in the Commodore in the Navy. तो so, रिसेंटली जब एयर चीफ़ मार्शल विवेक राम चौधरी तो न्यू एयर चीफ मार्शल ए सी एम से कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में विवेक चौधरी जी की नियुक्ति हुई है और 30 सितंबर को नियुक्ति होते ही हुई आठ अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया एटी नाइन्थ एनिवर्सरी लेकिन नियुक्ति होते होते ही सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई एक चीज़ की दहसवीन अकोजिशन ऑफ द फिजिकल हेरासमेंट बाई वन ऑफ़ द वुमेन कैंडिडेट्स इन द एयरफोर्स अकेडमी और उसके बारे में फिर चीज़ें नेगेटिव इमेज काफ़ी बन रही हैं क्रिएट हो रही हैं दैट इज़ वाई ही एज ऑल्सो सेट की यू विल नॉट टॉलरेट दिस ऑफ़ एक्टिविटी एंड द कल्प इट विल बी पनिश्ड टू द मोस्ट ऑफ द ऑफेंस बट एयरफोर्स की इमेज को कहीं ना कहीं इससे धक्का लग रहा है सिमिलरली जब आप बात कर रहे हैं जब एन डी ए में महिलाओं की एंट्री को सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है तो इस तरह की इमेजेस एयर फोर्स की डिग्निटी और पैक्योरिटी खासकर करके इंडियन आर्म फोर्सेस की डिग्निटी को कहने के कॉम्प्रोमाइज़ करती है सो वी नीड टू मेंटेन और डेकोरम इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रस्टीज एंड क्रिएट एन एनवाट इन सच अ वे वेयर द वुमेंस फील सेफ सिक्योअर एंड दे कैन इक्वली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एज द मैन डू नाट टेकिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की एयरफोर्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रही हो चाहे नाइनटीन फोर्टी में कश्मीर वार हो किस तरह से लास्ट मोमेंट पर श्रीनगर एयरबोट पे श्री एयरपेस पे, पे हम उतरते हैं और फिर उसको कब्जा करते हैं अगर एक दो घंटे की भी देरी होती है तो कश्मीर आज पूरा हमारे हाथ पर नहीं होता तो थैंक्स टू द एयरफोर्स और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस एयरपोर्ट के जो पायलट थे जो पहला प्लेन यहाँ से उड़ा था दिल्ली से सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ा था एंड वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर तो उस पहले एयरफोर्स के पायलट थे बीजू पटनायक और वो बीजू पटनायक वही हैं जो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के पिताजी हैं सो दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट यू ऑल्सो भी रिमेंबर्ड सो एयरफोर्स की अपनी एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है अल्दू कि इनको नाइनटीन के वॉर में यूज़ नहीं किया गया था जहाँ पर हमें मेजर सेटबैक हुआ और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी बताई जाती है डिटर्मेंश की कमी वट एवर दैट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स बट जिन भी युद्धों में एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है हम विक्टोरियस रहे हैं एक्सेप्ट नाइनटीन सिक्सटी टू सिक्सटी टू में भी एयरफोर्स का उपयोग नहीं किया गया था नहीं क्यों नहीं किया गया था दैट इज़ बीन अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चन बट वी शुड लेट इट अबाउट इट नाउ उसके अलावा और भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो या हाल ही में हुए बालाकोट ऑपरेशंस हो मालदीव का रेस्क्यू हो जहाँ जहाँ पर इंडियन अफगानिस्तान का रेस्क्यू हो तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी हर जगह दिखाई है और इसीलिए अब उसके समय है कि मिलिट्री या नेवी के कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाना क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि 42 स्क्वाड्रन 2002 में स्क्वाड्रन मतलब होता है फ्लीट एक कंप्लीट फ्लीट जिसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग एयरक्राफ्ट्स मिसाइल्स सैनिक तो एक कम्प्लीट बटालियन जैसा कि आर्मी में जिस तरह से जो डिविजन्स होता है अलग अलग आर्मी की यूनिट्स होती हैं उस तरह से एयरफोर्स में कॉम्बैट्स बटालियन होती हैं स्क्वाड्रन्स होते हैं तो 2002 में हमारे पास टोटल 42 स्क्वाड्रन थे एक स्क्वाड्रन में लगभग अठारह उन्नीस के आसपास फ्लीट होती हैं तो इससे अब हमारे पास ये जो है वो तीस के आसपास बच गए यानी कि प्लेन जो है वो पुराने हो रहे हैं उसकी वजह से वो आउट ऑफ कमीशन हो रहे हैं आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं तो फोर्टी टू क्वार्टर से अब हम थर्टी पर आ चुके हैं और जिस तरह से जो डिफेंस डील में प्रॉब्लम हो रही है जिस तरह से इतना टाइम लगता है और एक्विजिशन और जिस तरह से आपने देखा कि राफेल के पीछे कितना कुछ हुआ एंड फाइनली हुआ ये कि इससे टाइम काफ़ी लगता है एंड विल बी इन अगर बालाकोट में हमारे पास होता तो अभिनंदन को वहाँ तक जाना भी नहीं पड़ता वी डेव अचीव मच मोर बट स्टिल इट वॉज ग्लोरी एंड प्राइड फॉर अस एंड वी डिड अ बेटर अचीवमेंट इन दैट बट वट इज़ हैपनिंग इज कि जिस तरह से डिफेंस का जो एक्विजिशन प्रोसीजर है खास करके एयरफोर्स रिलेटेड क्योंकि अभी हाल ही में जो पिछले दो तीन साल हैं और आने वाले एक दो साल कोविड की वजह से द गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो पब्लिक हेल्थ वेलफेयर स्कीम इकोनॉमिक रीबिल्डिंग में ज़्यादा लगेगी जाहिर सी बात है तो डिफेंस का बजट जो है वो कम्पेरेटिवली कम होने वाला है अब उसमें भी सबसे ज़्यादा बजट कहाँ जाता है तो सबसे ज़्यादा बजट जाता है मिलिट्री में क्योंकि आर्मी के पास जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल है तो उनके सैलरीज में सारा पैसा कम जाता है तो डिफेंस एक्वायरमेंट के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं उसमें भी फिर एयरफोर्स को और कम पैसा मिलता है लेकिन जबकि एयरफोर्स के इक्विपमेंट कम्पेरेटिवली सबसे महंगे आते हैं सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो एयर चीफ मास्टर के पास ये चैलेंज है कि किस तरह से मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट को ये समझाएं कि एयरफोर्स की नीड क्या है रिक्वायरमेंट क्या है शॉर्टेज करें और जो तीस स्क्वाड्रन पर हम पहुंच गए हैं जो आइडियली हमारे पास बयालीस स्क्वाड्रन होने चाहिए उस पर कैसे कैसे हम पहुंचे क्योंकि अभी हाल ही में जो है तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं तेरासी तेजस जो हिंदुस्तान एयर एच एल हिंदुस्तान एयरनाटिक्स लिमिटेड बना रही है वी आर इंक्लूडिंग इट बट एट द सेम टाइम जो मिग हमारे पास थे रशिया से है वो मिग एयरक्राफ्ट है मिग थर्टी टू मेग एटी नाइन वो फिर अपडेटेड हो रहे हैं तो वो कॉम्पनसेट हो रहा है सिमिलरली जो एक इंडिजनस है कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ए एम सी और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हम घर पर बनाने की सोच रहे हैं लेकिन वो आने वाले दस साल लग जाएंगे तो दस साल में इसकी संख्या घटकर और ज़्यादा तीस से कहीं कई उम्मीद जता रही है कि ये वो इक्कीस या उन्नीस तक ना पहुँच जाए तो इसी बीच में हमको जो है वो एक्विजिशन करना जरूरी है वी नीड टू रिप्लेस वी नीड टू चेक आउट वी नीड टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस बिकॉज हम बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में हमेशा रहते हैं वी हैव टू थ्री नेबर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना विच इज़ कंटीन्यूअसली इन और इस तरह से हम अपने एयरफोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आज के दिन में जो मॉडर्न वॉरफेयर होगी वो आर्मी कम लड़ेगी वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लड़ी जाती है एंड एयरफोर्स इज द थिंग बट अ मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ आर्मी पर्सनल एंड टेक्नोलॉजी सो वी नीड टू इंक्रीज मोर एंड मोर एंड बिकॉज एयर पावर इज़ बिकमिंग मोर चैलेंजिंग इन द नेचर वी नीड टू इंक्रीज द एवर पावर और यही कहीं कहीं एयर चीफ मार्सल के पास ये चैलेंज है एक तो अपनी ऑर्गनाइजेशन की डिग्निटी मेटेनिटी बना रखें दूसरी क्वालिटी और तीसरी जो एक्विजीशन है जो स्क्वाड्रन्स की फ्लीट कम हो रही है उसको मैंटेन करें और उन स्क्वाड्रंस को इस तरह से मैनेज करें ताकि हम हमेशा वार्ड प्रिपेयर रहें जिस तरह से चाइनीज इंक्र्जन नॉर्थ एरिया में बढ़ रही हैं सो वी हैड टू प्रिपेयर फॉर एनी कांड ऑफ एयर वॉरफेयर और एयरफोर्स की एबिलिटी हमने देखी है कि इस तरह से चाइना जो है वो कंटिन्यूसली ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहा है और कुछ भी ताइवान या यू एस कोई भी उसको कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि यूके पास बेटर एयरफोर्स है तो जिसके पास बेटर एयरफोर्स है आज के दिन में ही इज़ डेफिनेटली ऑन द एज और जब हम भारत के पचहत्तर साल इंडिया एट द रेट सेवेंटी सेवन में हम एक तीन थिएटर कमांड यानी कंबाइंड कमांड बनाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले वी नीड टू चेक एंड मेनटेन ऑल आवर डिफेंस बजट्स सो डेट वी कैन हैव कम्प्लीट स्क्वाड्रन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिफेंस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो एयर चीफ मार्शल हो या और भी नेवी मार्शल हो उनको साथ में बैठकर बजट का एलोकेशन इस तरह से हो और डिफेंस एक्विजीशन खरीद फरोख्त में जो समय लगता है वो समय न लगे परचेजिंग बहुत जल्दी हो स्विफ्टली हो और ट्रांसपेरेंट हो इसका ध्यान रखने की जरूरत है सो दीज आर द चैलेंजेस बिफोर द एयरफोर्स मूविंग ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल इज अ शॉर्ट ऑफ होप तो रिसेंटली बच्चों के लिए मलेरिया uh, की वैक्सीन डेट इज मॉस्कोरिक्स हैज़ बिन फाउंड और डब्लू एच ओ ने उसके वो इनिशिएशन दे दिया गया है विच हैज़ बिन फाउंड बाई द ग्लैक्सोस मिथ क्लाइंट जी एस के जो कंपनी है जी एस के कंपनी द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है और उसको अप्रूवल मिल गया है बेस्ड ऑन द ट्रायल्स इन घाना केनिया एंड मलावी तो इन जगहों पर ट्रायल्स होने के बाद दे हैव बिन गिवेन द ट्रायल एंड दे हैव बिन गिवेन द एमरजेंसी यूथ सर्टिफिकेट बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये रिपोर्ट में इन कंपनीज़ ने रिसर्च ने सबमिट किया है कि इस वैक्सीन लेने के बाद मलेरिया से कांटेक्ट होने के थर्टी परसेंट चांसेस कम हो जाते हैं सो so, पॉजिटिव है ऐसे तो डब्ल्यू एच ओ फिफ्टी परसेंट का डेटा मानता है लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए और अभी तक में एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कुछ ने सक्सेस रेट दिखाया है सो डब्ल्यू एच हैज अलाउड इट और इसकी टेक्नोलॉजी भी, भी बिल्कुल अलग है ये कॉम्बिनेट नहीं है इट इज़ अ परसिप्टेंट वैक्सीन एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन अलाउड तो थर्टी परसेंट कम है And that is why the World Health Organization has allowed apart from that, it is also a very cost effective. So the uh, quinine tablets, RNT, Sinchona tablets, orbits material, medical aids, health were comparatively more costlier, and that is why the this vaccine, which is comparatively cheaper and WHO has allowed, even though it is not 50% uh, accurate, but still, if there's there is a case of 30% reduction in the malaria, that is severe malaria, then it was allowed based on the cost effectiveness and द सिंगल एम्यून पर्सनल बिकॉज देर इज नो अदर आल्टरनेटिव सोइंग द सिंगल अल्टरनेटिविटी एंड नो ऑप्शन इट हैज़ बिन अलाउड टू इंक्रीज एंड टू यूज़ स्पेशली इन द चिल्ड्रेन स्पेशली इन दो रीजन्स मलेरिया इज मोर प्रोविलेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज एज वेल सो इंडिया कैन डेफिनेटली टेक अ ट्रायल यूनिट और जिस तरह से वैक्सीन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में काफ़ी दो साल में हमने काफ़ी कुछ देखा है सीखा है अवेयरनेस बढ़ी है सो so इस तरह के ट्रायल इंडिया में भी करनी चाहिए बिकॉज मलेरिया और डेंगू से इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेथ होती रही हैं और काफ़ी इकोनॉमिक और मेडिकल लॉसेस भी हुए हैं सो वी नीड टू डू दिस सिमिलरली जो वैक्सीन्स होती है एवरी डी ऑल लोक की वैक्सीन का जो पर्पस होता है द प्रिंसिपल इज़ इम्यूनिटी अपने बॉडी की इम्यूनिटी को हम लड़ना सिखाते हैं उस एक स्पेशल पैथोजन के खिलाफ तो वैक्सीन इसी इम्पैक्ट पर काम करता है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को हम थोड़ा सा इन ऑर्डिनेट या डेड वैक्सीन या डीएक्टिवेटेड वैक्सीन या इनएक्टिव वैक्सीन का कुछ स्मॉल पोर्शन से हम अपने आप को पहले इन्फेक्ट करते हैं और जब हम इन्फेक्ट होते हैं तो बॉडी की जो फाइटिंग एबिलिटीज़ है इम्यूनिटी पावर है वाइट ब्लड सेल्स है और उदर सेल्स उसको फाइट करते हैं और अगर जब एक एक बॉडी ने उस पैथोजिन से एक बार फाइट कर लिया तो देन ही विल नो हाउ टू फाइट इट व्हाट केमिकल्स इट नीड्स टू रिलीज एंड व्हाट इज़ द वे टू कंट्रोल इट और ठीक उस तरह से जब अगली बार बड़ा अटैक होता है तो बॉडी उसके लिए ट्रेन रहती है तो इट इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन ट्रेनिंग तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है बिकॉज इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होने पड़ते हैं और सिमिलरली मलेरिया के लिए ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज मलेरिया के पाँच हज़ार जीन्स हैं देर आर फाइव थाउजेंड जीन्स अगर उसको हम कोविड से कंपेरिजन करें कोरोना वायरस से जिसके पास केवल और केवल बारह जीन थे लेकिन मलेरिया के पाँच हज़ार जीन होने की वजह से हमको पाँच हज़ार इंटू फाइव थाउजेंड अलग अलग कॉम्बिनेशन को यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ता था एंड दैट इज़ वाई इसकी वैक्सीन बनाने में इतना समय लग गया हमको और फिर भी वो कम्प्लीटली है बट स्टिल इट इज थर्टी परसेंट इनएक्टिव और इसलिए आपने ये देखा होगा कि मलेरिया जो है वो हर साल किसी किसी को होता है सम वन इज हैज सफर्ड फ्रॉम मलेरिया इन अ इल्सो बी एबल इन इज ऑल्सो सकम इज ऑल्सो वनरेबल टू गेट सकम फ्रॉम मलेरिया इन अनदर इ तो बहुत सारे सब साधारण कंट्रीज में सब अफ्रीकन कंट्रीज में यह गया कि जिन बच्चों को एक बार मलेरिया हो चुका है उसको फिर से भी हो सकता है दैट मीन्स कि उसके इतने सारे कॉम्बिनेशन से इतने सारे वेरिएंट्स हैं कि उसकी वैक्सीन बनाना इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी इसलिए इतना समय लगा बट बेटर लेस देन नेवर और थर्टी परसेंट एक्रेसी के साथ हमारे पास मिल रहा है और और ज़्यादा अगर रिसर्च तो करेंगे तो वी कैन फाइनली कम टू अ डे वेयर कैन कम्प्लीटली इम्यूनाइज दिस मलेरिया डेंगू जीका एंड ऑल काइंड ऑफ वायरस बट द वे द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग द वे द्लाइमेट चेंज इंगनिंग एन द वे वी आर इन इन द एवारेंट दिस काइंड ऑफ डिजीज एंड वैक्ट्रॉन डिजीज विल आर गोइंग टू कम सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर मेडिकल सिस्टम्स एंड अलर्ट सिस्टम एंड प्रिवेंटिव मेकेजम्स बॉडी का प्रिवेंटिव मेकानिज्म बढ़ाना है इम्युनाइजेशन बढ़ाना है तो वी नीड टू डू ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड मेक प्रॉपर क्लीन एन्वायमेंट नॉट टू डिस्टर्ब द ओरिजिनल चीज इन्वा दैट इज वाई इट शुड बी केप्ट इन माइंड और इसी वजह से जब मॉक्सकोलिक्स फाइंड आ गया है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी में और उसके ट्रायल में भी समय लगने वाला है क्योंकि अभी दुनिया कोविड नाइन्टीन के प्रकोप से उभरी नहीं है बहुत सारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो अभी कोविड का ही ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई हैं तो मैस्कोरिक्स कहाँ से बनाएंगी तो ये ऑथर का एक कंसर्न है कि मलेरिया का वैक्सीन आने के बाद भी क्योंकि द होल वर्ल्ड हैज़ बीन शिफ्टेड टू डेवलपिंग कोविड वैक्सीन सो दे विल बी डिले इन द ट्रायल ऑफ दिस वैक्सीन बट स्टिल The formula has been found and if it is been shared, it can be revolutionary in the form of fighting malaria. Moving on to another very important article regarding economy, Moody's karke ek rating agency. Moody's, Fitch इस तरह के अलग-अलग rating agencies हैं जो अलग-अलग देश के economy को rate करती हैं, credit देती हैं और based on that rating जो बार-बार के अलग-अलग देश के business पे investors हैं उस country के business products में invest करते हैं। सो so, मूडीज़ हुआ फिंच हुआ एस इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियाज़ हैं और हाल ही में मूडीज़ ने जो इंडिया की रेटिंग जो पहले नेगेटिव कर दी थी उसको बढ़ाकर अब पॉजिटिव साइड में लिया है तो डेट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी और इस तरह की इसकी रेटिंग होती है ट्रिपल ए डबल ए इस तरह की मूडीज फिंच एस एन पी और ये फिर अलग अलग कलर कोडिंग होता है तो ए जो grade, होता है वो हाई ग्रेड प्राइम रेटिंग होता है और मोस्टली इंडिया का जो वो है वो बी ए थ्री रेटिंग है पहले उसको नेगेटिव में कर दिया गया था क्योंकि ये स्पेकुलेशन था कि कोविड की वजह से इट में फॉल डाउन और उसमें जो है वो डायलूशन हो सकता है डिसनेक्टेड हो सकता है एंड दैट इज वाई अब जब कोविड की सिचुएशन अच्छी है एंड वी हैव शोड अ बेटर ग्रोथ नाउ इट हैज बीन मूव ऑन टू द अनदर पॉजिटिव रेंज सो ऑन टू डे मॉडिज दैट द इन्वेस्टर्स सर्विसेज हैज चेंज द इंडियाज सुप्रीम रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल दैट इज इट इज बी स्टेबल सो हमारे रैंकिंग को बढ़ावा मिला है और डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट नौ no, ऐसा क्या हुआ जो इन कंपनीज़ को या इस रेटिंग एजेंसीज़ को ऐसा करना पड़ा सो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ जो तेईस परसेंट के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था उसके हिसाब से एंड सिमिलरली जो कोविड के कम होते हुए केसेस और फिर कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन रेट इन सारी चीज़ों को देखते हुए मूडीज़ ने रेटिंग को स्टेबल किया है इसने और कहा कि जब इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है चाहे वो फूड डिलीवरी प्रोग्राम हो या बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम हो कैपिटल क्वेश्चन और बड़ी लिक्विडिटी के साथ डीबीटी प्रोग्राम को गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी इसलिए हमें नेगेटिव से स्टेबल रेट में कर दिया है इंस्टीट की अभी भी थोड़ा बहुत खतरा है थर्ड वेव का लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है इसलिए उसको अच्छा कर दिया गया और हमें बी ए थ्री नेगेटिव रोड में रख दिया गया था लेकिन अब देर ए चांस कि हम उसके फिर और ऊपर उठ सकें एजेंसी ने जो है वो ग्रोथ फोरकास्ट भी रिवाइज़ किया है बोला है कि इस साल नॉन नाइन पॉइंट थ्री एट से जीडीपी बढ़ेगी और उसके आने वाले साल में सेवन पॉइंट नाइन यानी एट परसेंट के आसपास सो दैट इज़ आल्सो अ गुड न्यूज़ बट डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू इज़ लुक आफ्टर द मेथड्स और इसको हमको गार्ड लूज़ नहीं करना है वैक्सीनेशन हंड्रेड डबल डोज वैक्सीनेशन को एम करना है सो दैट देर शुड बी नो थर्ड वेव एनी चांस ऑफ काइंड ऑफ थर्ड वेव इवन आफ्टर जो जो डेप्ट टू तो जीडीपी डी रेशियो है अलग अलग राज्यों में वो भी कम हुआ है जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि राज्यों के पास कितना कर्जा है और उनकी जीडीपी कितनी है उन दोनों के बीच का रिलेशन भी कम हुआ है तो डेप टू जी डी रेशियो ये होता है कि सपोज़ करें कि, कि किसी राज्य की जी है दो लाख करोड़ रुपये और उसके पास पचास करोड़ रुपये की जो है वो लोन पड़े हुए तो उसका जो डेप्ट तो होगा वन बाई तो इस तरह से ये देखते हैं कि, कि किसी राज्य के पास लोन कितना है तो उसमें भी कमी आ रही है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि राज्य हो या केंद्र उनके जो डेप्ट जी डी पी रेशियो में भी कमी आई है तो ये सारे कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हमको स्टेबल इकोनॉमिक आउटपुट दिया गया है लेकिन वी नॉट शुड नॉट लेट द गार्ड और इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी टाइटन और स्टैंडर्ड रहनी चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे इसलिए आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइन की उसको बिल्कुल अनचेंज रख दिया है सो so मार्केट में पैसा भी रहे और इतना भी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए सो वी हैव टू मेनटेन both the liquidity as well as inflation and government should also not stop giving pds public distribution system food alliances health alliances health insurances etc so that the economy should flow or based on this i have been mentioned so this data ko maintain karne ke liye aage cheez ki gayi hai aur aane wale samay mein अगर एक्सपोर्ट्स अच्छे रहते हैं तो हमारी इकोनॉमिक रेटिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है so, मोदी ने यह कहा है कि अगर आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट अच्छे हों और अगर कोविड की कंडीशन ना हो तो डेफिनेटली वी कैन डू बेटर एंड आवर इकोनॉमिक रेटिंग विल फर्दर भी स्टेबल से फर्दर पॉजिटिव में ली जा सकती है बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से नेगेटिव रेटिंग हो जाएगी सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर